शुरू करते हैं क्लास आठ का साइंस का चैप्टर चार है पदार्थ हो पदार्थ धातु और अधातु। तो चौपाठ का नाम है पदार्थ और अधातु। पहली बात आती है हमारी पदार्थ पर। पदार्थ शब्द आते ही हमें पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे चैप्टर का नाम है। अगर चैप्टर का नाम भी पता नहीं होगा तो आगे क्या होगा। तो पदार्थ क्या है, पहला ये प्रश्न आता है क्या है पदार्थ। तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ की डेफिनेशन देखते हैं। वह वस्तु या पिंड जो स्थान घेरती है जिसका खुद का क्या होता है आयतन होता है जिसे क्या कर सकते हैं जिसे क्या कर सकते हैं स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं यानी वह वस्तु या निकाय या पिंड जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं जिसे महसूस कर सकते हैं जो स्थान घेरती है आयतन घेरती है वह पदार्थ। जैसे ये मार्कर है इसे मैं छू सकता हूँ, छू लिया ये एक अगर इसे कहीं पर रख देंगे तो वह कुछ स्थान भी घेरेगा। तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका खुद का आयतन होता है जिसे स्पर्श या महसूस कर सकते हैं पता कर सकते हैं यहाँ वस्तु है तो वो सब क्या है पदार्थ है। अब आगे क्या होता है कि एक वैज्ञानिक आते हैं वो पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं सामान्यतः वैसे तीन भागों में बांटते हैं मुख्यतः पदार्थों को तीन भागों में बांटते हैं वो तीन भागों में बांटते हैं एक वैज्ञानिक आते हैं वो पदार्थों का डिवाइडेशन करते हैं क्योंकि सभी पदार्थों के बारे में हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते इसलिए जो एक जैसे पदार्थ हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे जो एक जैसे हैं उनको एक साथ जो अलग अलग है उनको अलग कर देंगे। तो यही बात है जैसे जो कक्षा आठ के बच्चे हैं वो एक ही कक्षा में बिठाए जाएंगे जब एक लेक्चर आएगा साइंस का तो उनका साइंस का लेक्चर चलेगा सभी बच्चों का। इसी प्रकार इन पदार्थों को इस प्रकार बांटा गया है कि समान गुण वाले एक ही वर्ग में आ जाए और विपरीत गुण वाले जो हैं उनमें भी जो समान है वो एक गुण में आ जाएंगे। इस प्रकार पदार्थ का डिवाइडेशन वैज्ञानिक ने तीन भागों में किया है। पहले का नाम है धातु, लेकिन सभी पदार्थ धातु में भी नहीं आए तो फिर उनको बांट दिया गया अधातु में। फिर भी सभी पदार्थों का वर्गीकरण नहीं हो पाया तो फिर तीसरा नाम आया उपधातु। उच्च कक्षा में उपधातु के बारे में पढ़ा जाता है। हमारे सिलेबस में धातु और अधातु है जो हम सामान्यतः देखते हैं। धातु अधातु वह पदार्थ जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह उपधातु है। मतलब उपधातु कोई अलग चीज नहीं है, जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु होते हैं। तो वैज्ञानिक ने पदार्थों को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से, एक है जिसका नाम धातु, दूसरा है अधातु। हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है धातु की और अधातु की, फिर इनके हर गुण की चर्चा करेंगे इनमें जो गुण पाए जाते हैं। तो पहली बात आती है हमारा धातु है क्या। पदार्थ के बारे में पढ़ दिया तो स्थान घेरता है जिसे महसूस कर सकते हैं और जिसे स्पर्श कर सकते हैं वो पदार्थ। अब बात आती है हमारी धातु पर। अब पहला प्रश्न ये है कि व्हाट धातु, क्या धातु, धातु है क्या, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। तो यही आज चर्चा करेंगे कि वह पदार्थ जिसमें निम्न गुण होते हैं, वह पदार्थ जिसमें निम्न गुण, जैसे कि वह पदार्थ जिसमें निम्न गुण जैसे कि
कठोरता का गुण, कठोरता का गुण हो गया चमकीला, चमकीले का गुण चमकीला होना। अगला गुण है वो है हमारा अघात वर्धनीयता का गुण। कौन सा गुण अघात वर्धनीयता का है? घात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता के अलावा जो अगला गुण है वो है तन्यता का गुण। अगला इसका है धामनिक गुण, धामनिकता या धामनी कह सकते हैं। अगला गुण है वह है उष्मा एवं विद्युत का सुचाल, उष्मा एवं विद्युत का सुचाल। वे पदार्थ जिसमें निम्न गुण जैसे कठोरता, चमकीलापन, आघात वर्धनीयता, तन्यता, धामनिकता, उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, वे धातु कहलाते हैं। वे सब क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। हमने डेफिनेशन देखी, पदार्थ वह पदार्थ जिसमें निम्न गुण हो जैसे कठोर हो, नमक चमकीला हो, चमक हो उसमें, अघात वर्धनता हो, तन्यता हो, धावनिकता हो, उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, वे धातु कहलाते। अबे हमें कुछ नहीं पता अघात वर्धनता क्या है, तन्यता क्या है, धावनिकता क्या है, उष्मा विद्युत का सुचालक होने का क्या अर्थ है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी धातु की, धातु है क्या। अब इसके उदाहरण है, जो डेफिनेशन आने के बाद जो चीज़ आती है वो है उदाहरण, मेन चीज़ उदाहरण। पहला जो सामान्यतः देखते हैं लोहे की वस्तु यानी लोहा, पहला जो लोहा होता है उसे लोहा, दूसरा जो आता है वो है कॉपर, कॉपर, कॉपर के अलावा कपूर की गोली आती है वो कॉपर, एल्यूमिनियम, 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 ब्यास आदि में रोटियां जिस पतली चमकदार एक सीट से यानी सीट से लपेटी जाती है वह सीट एल्युमिनियम की ही बनी होती है। इसके अलावा कैल्शियम जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है वो भी क्या एक धातु है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितनी भी इनो आनो है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम हो गया। और क्या है जो सोना होता है वो भी धातु है, सोने के अलावा जो चांदी होती है आभूषण बनाने के काम वो भी धातु है। हमने धातु की डेफिनेशन देख ली कि कठोरता, चमकीलियता, चमकीलापन, ये जैसे गुण पाए जाते हैं वो क्या है, धातु है। तन्यता का गुण पाया जाता है और धमनिकता का, उष्मा और विद्युत का सुचालक होना, ये सब जो गुण पाए जाते हैं वो पदार्थ धातु होते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना, चांदी, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब पदार्थ क्या है, धातु की है। अब बात आती है धातु हो गया है, धातु थोड़ा सा इसका विपरीत होता है, क्या होता है धातु, प्रश्न यही है धातु पर उठता है व्हाट ए धातु, यानी कि हमारे तो ए धातु में क्या है, यही गुण है, सेम डेफिनेशन हो गई, जिसमें निम्न गुण होते हैं कठोरता का उल्टा नरम, पैपदार जो नरम हो, चमकीला, चमकीला नहीं हो, चमकीला नहीं हो, वह पदार्थ जो नरम हो, जो नरम हो, वह पदार्थ जो क्या हो, अब नरम हो, चमकीला हो और अघात वर्धनता का गुण नहीं हो और तन्यता का गुण भी उसमें क्या हो, नहीं हो, धमनिकता का गुण भी उसमें क्या हो, नहीं हो, विद्युत और सुचालक का उल्टा कुचालक हो, ये कठोर का उल्टा नरम, चमकीले का चमकीला ना हो, घात वर्धनता का उल्टा है नहीं हो, घात वर्धनता तने नहीं हो, धमनिक नहीं हो, धमनिक न हो और दूत और उष्मा का सुचालक न हो यानी कुचालक हो। तो यह धातु की डेफिनेशन देखेंगे अब, यह धातु की डेफिनेशन, फिर इन सब एक एक जो गुण है उनकी विशेषता देखेंगे, इसका मीन क्या है ये भी देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं कि यह धातु है क्या, यह धातु
वह पदार्थ जो क्या हो, जो नरम हो, चमकीला न हो, चमकीला न हो, इसके अतिरिक्त क्या हो, घात वर्धनीयता का गुण न हो, घात वर्धनीयता का गुण न हो, तन्य न हो, धामनिक न हो, और उष्मा और विद्युत का सुचालक यानी सुचालक न हो, यानी कुचालक हो, उष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो, क्या हो उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अधातु कहते हैं। क्या हो, जो नरम हो, चमकीला न हो, घात वर्धनीयता का गुण न रखता हो, तन्य भी न हो, धमनिक भी न हो, और विद्युत और उष्मा का क्या हो, कुचालक हो, ये सब गुण हैं, मतलब धातु के एकदम विपरीत वो अधातु है। अब बात आती है उदाहरण की, जब भी ये अधातु उपधातु में अंतर पूछा जाए तो ये चीज़ लिखनी है, सारणी बनाकर, कठोर नरम, चमकीला चमकीला नहीं, अघातवर्धनीय अघातवर्धनीय नहीं, तन्य तन्य नहीं, धावनिक धावनिक नहीं, उष्मा विद्युत का सुचालक, इधर वाला कुचालक, और उदाहरण। अब उदाहरण की बात आती है, पहला आती है गंधक। गंधक जो प्याज होता है वो एक प्रकार से उसमें गंधक होती है, यानी सल्फर। गंधक का मतलब सल्फर। कार्बन यानी लकड़ी कह सकते हैं एक तरीके से, कार्बन ऑक्सीजन प्राणवायु हमारी ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या विद्युत की कुचालक है जिनमें ये गुण पाए जाते। अब बात आती है जो इन गुणों को हमने पढ़ा है कि घात वर्धनीयता क्या है, तन्यता क्या है, इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये धातुओं में पाए जाते हैं, धातुओं में नहीं पाए जाते, धावनिक क्या है ये नहीं देखा। तो अब शुरू करते हैं घात वर्धनीयता नाम के इस टॉपिक से, कि जो धातुओं में गुण पाया जाता है अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता, अघात यानी मारना प्रहार करना, ये अघात वर्धनीयता ये तो है। अब हम कभी कभी लोहार के बारे में देखा होगा, लोहार क्या करता है कि जो भी उपकरण वह बनाता है उसको वह गर्म करता है और उसे थोड़े से कूटता है, तो क्या होता है कि जो उपकरण है लोहे का, जो उपकरण है लोहे का जो भी वह बनाता है उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन यानी बदलता है आकार का, बदलता है। ये चीज़ हम लोहे क्या हुआ, धातु हुआ, धातु के साथ किया, एल्यूमिनियम के साथ करें तो भी ऐसा ही हो, साइज में चेंज होता था। अब मान लीजिए ये है ए धातु है, अगर इसको हम हथौड़े का अपराध करें तो ये तो क्या हो जाए, टूट जाएगा, इसके साय आकार में चेंज नहीं होगा, टूटना अलग चीज़ है, आकार में बदलना अलग चीज़ है, तो वह टूटेगा नहीं बल्कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, वह निकुला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ये सब है, जिस प्रकार है बनाना चाहेगा उस प्रकार का हो जाएगा। तो अघात वर्धनीयता धातु का वह गुण क्या है, धातु का वह गुण, धातु का है वह गुण जिसके कारण धातु पर धातुओं को किसने बदला, अघात यानी प्रहार कर, ये घात कर उन्हें सीटों में क्या बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज कर सकते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण
धातु को अघात यानी पीट पीट कर उन्हें सीटों में बदला जा सकता है, यानी पतली चद्दरों के रूप में बदला जा सकता है। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को पीट कर उन्हें सीट में पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को अघात वदनीयता कहते हैं। और ये जो होता है वो एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, एक प्रकार का यानी विशिष्ट गुण होता है। ये केवल धातु में ही पाया जाएगा, अन्य में नहीं है। प्रत्येक धातु में ये गुण होता है, लाक्षणिक लक्षण दिखाता है। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को पीट पीट कर उन्हें एक पतली चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है, घात विद्यनता गुण होता है। जैसे धातु जैसे लोहे के उपकरण बनाने के लिए लोहे को एक टुकड़े को गर्म कर थोड़ी सी कूटता है और उन्हें उपकरण में परिवर्तित कर लेता है, ये हो गया। लेकिन जैसे प्लास्टिक है, ऐसे चीज़ों को हम वो शायद नहीं बदल पाएगा, क्योंकि वे प्रहार करने पर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। घात वर्धनता का मतलब आघात कर उन्हें पतली सीट में बदलना ही क्या है, घात वर्धनता का गुण है। ये धातुओं में पाया जाता है, धातुओं में नहीं। अब बात आती है अगली, वो है तन्यता। दो है तन्यता। तन्यता कुछ नहीं है, क्या है, एक गुण है। किसका, धातु का है, धातु का नहीं। तन्य का अर्थ है शुरू होता है तय से तार। कंफ्यूज हो जाते हैं कि तन्यता क्या है, तो तय से तार, तार से शुद्ध होगा तन्य। तो धातु को जब तार में बदले तो वह तन्यता है। जो चीज वह गुण जिसके कारण धातु तार में बदल जाए वह तन्यता का गुण है। अब ये बात, धातुओं का वह गुण जिसे धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, उन्हें उस गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता, कि धातुओं का वह गुण जिससे धातुओं को खींचकर उन्हें पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, धातुओं को तन्यता का गुण कहलाता है। अब धातुओं का क्या है, धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। अब बात आती है धातु क्या है, तन्य है, धातु तन्य नहीं है, ये बात। तो ये भी धातु का विलक्षणिक गुण है। हमने देखा कि एल्यूमिनियम है लोहे है, तांबा है, जो चांदी, उससे क्या होते हैं, पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं धातु, और सबसे लंबा तार सोने से बनाया जा सकता है। तो इनसे क्या बनाए जा सकते हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ये गुण धातुओं का हो गया तन्य। लेकिन जो ऐ धातु होती है, प्लास्टिक हो गया हमारा, ऐसे पदार्थों को हम क्या नहीं कर सकते, पतले तारों में नहीं बदल सकते। ये हमारा गुण हो गया तन्य, यानी तार बनाना, तय से तार। तन्य का तार बनाना, धातुओं का वह गुण जिससे धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सके, ये हमारा हो गया दो नंबर गुण जिसे कहते तन्यता। अब तीन नंबर बात है हमारी धावनिक। अब देखा होगा, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो जो बेल होती है, लोहे की बेल होती है, उस पर एक हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। धावनिक धातु का वह गुण जिसे धातु पर एक कठोर वस्तु या स्तर से प्रहार किया जाए तो गायक ध्वनि, यानी ऐसी ध्वनि जो सुनने योग्य हो, सुन सकते हैं, जिसे वो उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे, उस गुण को धावनिक कहेंगे। यानी धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को अगर किसी कठोर सतह से टकराती है, कोई कठोर सतह धातु से टकराती है, तो धातु से एक गायन ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम सुन सकते हैं। इस धातु के इस गुण को धावनिक कहते हैं। धातु का वह गुण
धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को किसी कठोर स्तर से टकराने पर गायन ध्वनि उत्पन्न होती है उसे तानिकता कहते हैं। धावनिकता लिख सकते हैं, धावनिकता धातु का वह गुण जिसके कारण धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो धातु से एक गायन ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम सुन सकते हैं, वो धावनिकता का गुण कहलाता है। लेकिन अधातु जैसे कोई रबड़ है उसको हम किसी कठोर सतह से उत्पन्न होते तो ऐसी कोई गायन ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो बेल्स होती है, घंटी होती है, उसमें हम लोहे यानी धातु की वस्तु का उपयोग क्यों किए करते हैं, क्योंकि जो बैल होती है अगर वो धातु की मनी न होगी तो उससे गायन ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते, ऐसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि अब बैल लोहे की क्यों मनी होती है, धातु की क्यों मनी होती है? इसका कारण यही है कि जब लोहे धातु की वस्तु को किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम सुन सकते हैं। इसलिए जो बेल्स है, घटिया है, वो धातु की मनी होती है। अगर वह अधातु की मनी हो तो कठोर सतह से टकराने के बाद उनसे किसी प्रकार की सुनने योग्य ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, जिस कारण हम घंटियों में अधातु का उपयोग नहीं करते। ये आ गई हमारी अधातु। अब आती है सुचालक। चार नंबर जो मुख्य गुण है वो ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक मतलब उसमें ऊष्मा का प्रभाव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और सुचालक का अर्थ ऊष्मा का प्रभाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता। और विद्युत का सुचालक अर्थ है कि विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे में जाती है और नहीं जाती। ऊष्मा मान लीजिए ये छड़ है धातु की, लोहे की कह सकते हैं, अगर इसको यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ से गर्म इसको गर्म किया, कुछ समय के बाद अगर यहाँ पर हम अपना हाथ लगा के देखते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है, साइड गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है कि ये गर्म होता है धीरे धीरे, तो इससे ये क्या होती है, जो ऊष्मा होती है वो यहाँ से यहाँ तक इस ओर आ जाती है। क्या ऊष्मा? अर्थात ये ऊष्मा का प्रवाह करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है, जिसके कारण ये गर्म होता है। अर्थात दूध है जो ऊष्मा है, जो कोई लोहे का टुकड़ा अगर हम एक साइड से गर्म करेंगे दूसरे साइड भी वो गर्म लगेगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो धातु है वो क्या है, ऊष्मा का सुचालक। अब विद्युत धारा, जो हमारे केबल होते हैं, अगर हम मान लीजिए कोई बल्ब है, अगर उसमें कोई स्पेस है, अगर हम यहाँ पर कोई लोहे की वस्तु लगा दी जाए तो भी वह बल्ब जगेगा, क्योंकि धातु में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, आवेश पाया जाता है, आवेश चार्ज। आवेश यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, इसलिए ये ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। कुचालक है धातु, कुचालक क्यों होते हैं? अब हम रबड़ को गर्म करते हैं तो वह वहाँ से पिघल जाएगा, लेकिन दूसरी साइड तब तक गर्म नहीं होगा तब तक वहाँ पर आग नहीं पहुँचेगी। तो ये सब चीज़ है कि धातु ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक है, जबकि यह धातु नहीं है। और धातु का एक बड़ा महत्व है हमारे दैनिक जीवन में कठोरता के कारण। अब बात आती है, कुछ ऐसे भी धातु है जो कठोर नहीं होते, नरम होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, नरम धातु सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, नरम धातु होते हैं, चाकू से क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं।
चाकू से आराम से काट सकते हैं। इसके अलावा जो पारा है, मरकरी है, जो ताप पैमाने में तापमान पैमाने में थर्मामीटर में उपयोग हो जाती है, वो मरकरी क्या होती है? द्रव्य धातु होती है। जबकि धातु कैसी होनी चाहिए? ठोस यानी कठोर होने चाहिए, तो द्रव्य धातु होती है। ये क्या है? अपवाद होते हैं, अपवाद होते हैं। और अधातु जैसे आयोडीन अधातु है, आयोडीन जो नमक में होती है, आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन चमकीली है और क्या है? कठोर है, यानी ठोस कह सकते हैं, ठोस अधातु है। जबकि अधातु क्या होनी चाहिए? चमकीली नहीं होनी चाहिए और ठोस भी नहीं होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। तो ये क्या है? आयोडीन अपवाद है। द्रव्य अधातु, द्रव्य धातु कौन सी है? ब्रोमीन है, ब्रोमीन द्रव्य धातु है, ब्रोमीन। ये सब अपवाद है इसके अधातु अधातु के। अब हमने इस वीडियो में पढ़ा कि पदार्थ क्या है जो स्थान कहते हैं, जिसे स्पर्श कर सकते, महसूस कर सकते। धातु क्या है जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे कि कठोर, चमकीलापन, घात वर्धनता, तन्यता, उसमें विद्युत का सुचालक, दामनिकता आदि गुण पाए जाते हैं, वो धातु है। जैसे लोहे, सोना, चांदी। अधातु क्या है? जो नरम होते हैं, चमकीला गुण नहीं, चमकीलेपन नहीं होते, चमकीले नहीं होते, घात वर्धनीय नहीं होते, तन्य नहीं होते, धामनिक नहीं होते, और क्या नहीं होते उसमें, और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये सब देखा। अघात वर्धनता, धातु को कूट कूट कर क्या बनाते हैं? सीट बनाते हैं, अघात वर्धनता है, अधातु में नहीं पाया जाता। तन्यता, तय से तय, से तार, तय से तन्य। तो तन्यता की धातु का वह गुण जिसे उन्हें खींच कर क्या कर सकते हैं? तार कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, वो है। धावनिक क्या है? अगर धातु को किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो धातु से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? धावनी उत्पन्न होती है, जिसे हम सूझ सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गायन ध्वनि, गायन ध्वनि कहेंगे, जिसे हम सूझ सकते हैं। ये हो गया धावनिक। उसमें दूध का कुचालक होना, हम समझ गए कि उसमें धारा उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, दूध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, ये देख लिया। सोडियम पोटेशियम नरम धातु है, जिसे चाकू से काट सकते हैं। लिथियम भी होती है, अलॉय लिथियम, कुछ कक्षा में आप पढ़ेंगे इसे विस्तार से। लिथियम, सोडियम पोटेशियम नरम होती है, जिसे चाकू से काट सकते हैं। पारा, मरकरी, द्रव्य होती है, आयोडीन चमकीली और कठोर अधातु होती है। द्रव्य अधातु, अधातु ब्रोमीन होती है। ये सब कुछ है। अगले भाग में हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो आपके पास पहले ही पहुंचे।